हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करंट अपडेट दोस्तों एमपी पटवारी का यहां पर रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आया है तो इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूं यहां पे एमपी पटवारी की टॉप टेन की लिस्ट जारी की गई है तो सबसे पहले तो मैं वो लिस्ट आपको दिखाता हूं और इस पूरे पटवारी घोटाले में किस तरीके से घोटाला किया गया उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर एम पटवारी का यहाँ पे एम पटवारी ने टॉप टेन और ये सारी लिस्ट जारी की है पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप टेन लिस्ट मैरिट लिस्ट है ये आप लोग देख सकते हैं ठीक है जाकर के अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो पी आई हुई है इसमें आप टॉप टेन की लिस्ट में देखेंगे तो अभी तक तो एम पटवारी का कोई टॉप टेन की लिस्ट नहीं आई थी अब यहाँ पे मीडिया वालों को जरूर जाकर इन टॉपर्स का इंटरव्यू एटलीस्ट नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो भी इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो जाकर पूछना चाहिए इनका इंटरव्यू लेना चाहिए अब टॉप टेन की लिस्ट भी आ गई लेकिन इसमें आप देखेंगे कि दस में से सात तो ग्वालियर से आए हुए हैं ठीक है थीके? तो मतलब दस में से सात ग्वालियर से आए हैं बाकी यहाँ पे पंद्रह लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था लेकिन जो भी सभी टॉपर्स हैं वो ग्वालियर के हैं अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इनकी दिखाना चाहूँगा अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये देख लीजिए कि ये जो ग्वालियर से स्टूडेंट्स आए हैं मतलब इतना बड़ा इतफाक़ कैसे हो सकता है कि टॉप टेन में जो स्टूडेंट आए हैं उनका पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए एन कॉलेज ठीक है ग्वालियर का और यहाँ पे इनके सिग्नेचर भी देखिएगा कही कहीं ना कहीं सिग्नेचर एक प्रकार से स्कैम हो सकता है कि ये इन्होंने सिग्नेचर ना भी किया हो इनका कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या लगता है कि आ, यहाँ पे देखिए ये एन कॉलेज ठीक है तो सभी का यहाँ पे एन कॉलेज दिखा रहा है और जो कि टॉप टेन में लिस्ट में आया है तो इतना बड़ा घोटाला ये अब अब देखो इस चीज़ को चुनाव है तो इस चीज़ को अभी हाईलाइट किया जा सकता है तो ये आप लोगों का पेपर जो है ये क्वालिफाइड मान करके जिसका जिसका भी क्वालिफाइड हो गया है उन लोगों का सभी का यहाँ पर प्री समझ करके इनको मेन्स का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए इसके लिए आप सहमत है या तो फिर इस एग्जाम को ही कैंसिल करना चाहिए क्योंकि अब ये कितना भी री रिजल्ट दे दे, दे या कुछ भी कर दे कहीं ना कहीं घोटाला हुआ उसको पकड़ेंगे कैसे ये लोग यहाँ पे टॉप टेन की लिस्ट में इतने सारे घोटालेबाज भरे हुए हैं तो बाकी जगह और कितने ज्यादा भरे होंगे इस चीज़ को आप कैसे हाईलाइट करोगे और देखो यहाँ पे जो एग्जाम एजेंसी से करवा रहे हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है तो इस तरह की सारी चीजें हैं हमें इन चीज़ों को हाईलाइट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी है चुनाव वाला साल है इसलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट वो ध्यान दे भी दे सकती है वरना ये चुनाव का साल नहीं होता तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि कुछ भी चीज़ें होती इसमें अब इतने री एग्ज़ाम कराया जाए ये कैसे किया जाए ये आपकी क्या इसमें आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है यहाँ पे हो सकता है कि इसका अगर ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाइड मांग के इस एग्ज़ाम को री री एग्ज़ाम कराया जा सकता है जिन जिन स्टूडेंट ने क्वालीफाइड कर लिया है एग्ज़ाम ठीक है और अगर आप लोग को मैं बता दूँ अगर आप एम पी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए वहाँ पर मैं आपको पता है कि जैसे कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है वहाँ पर मैं सभी पेपर आपको एम पी पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर एम पी एक्साइज कॉन्स्टेबल एम पी पटवारी सभी पेपर पर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं तो वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पूरा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है और मैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं वहाँ से अब आ, ट्विटर पर भी जो ट्वीट करेंगे उसको भी शेयर किया जाएगा तो ज़्यादा से ज्यादा ट्विटर पर ट्वीट कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए पटवारी एग्जाम में घोटाला हुआ है नहीं हुआ है आपका क्या राय है जो भी है अभी यहाँ पर या तो सीबीआई से जांच कराई जाए या कैसे भी जांच कराई जाए लेकिन जो भी चीज़ है यह खुल के सामने आनी चाहिए कि इस तरीके से कैसे देखिए सभी का सिग्नेचर भी आप देखेंगे हिंदी में है ठीक है तो इस तरीके की, की चीज़ें हुई है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा